ये है राजस्थान में फैला थार का रेगिस्तान, जहाँ पर सिंचाई का मात्र एक साधन हुआ करता था, बारिश। और यदि कभी इंद्रदेव रूठ जाएं तो अकाल पड़ जाता था। उस जगह, उस ऐसे एरिया में इंदिरा गांधी नहर परियोजना एक वरदान साबित हुई, जिसने न केवल राजस्थान की तकदीर बल्कि तस्वीर बदल कर रख दी। लगभग 600 किलोमीटर लंबी इस नहर परियोजना ने हिमालय का पानी सूखी बंजर भूमि में बाड़मेर तक पहुंचाया। लगभग 10 जिलों में 2.25 करोड़ लोगों को पीने का पानी तथा 10 जिलों के लगभग 16.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाने वाली राजस्थान नहर परियोजना, मतलब इंदिरा गांधी नहर परियोजना। पंजाब के हरि के बैराज से निकलकर राजस्थान में हजारों रेत के टीलों को चीरकर बाड़मेर तक पानी पहुंचाने वाले दुनिया के सबसे मशहूर प्रोजेक्ट्स में से एक इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में, कैसे इसका निर्माण हुआ, कितने चरण में निर्माण हुआ और निर्माण के दौरान क्या क्या समस्याएं आई, ये सब बातें इस वीडियो में हम आगे करेंगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना दुनिया में सबसे विशाल परियोजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य रेगिस्तान को कम करना और रेगिस्तान में खाली पड़ी बंजर भूमि को कृषि उत्पादक क्षेत्र में बदलना है। वितरण तंत्र बनाया गया था। दूसरे चरण में 256 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर के साथ में 5,606 किलोमीटर लंबी छोटी अन्य नहरें बनाई गई, जो वितरण के लिए काम में आती हैं। इस तरह कुल मुख्य नहर की लंबाई हो गई 445 किलोमीटर। मुख्य नहर के तल की अधिकतम चौड़ाई 38 मीटर एवं गहराई 6 मीटर तक है। यह नहर हर साल कई जान भी लेती है, जिसमें कुछ लोग सुसाइड करते हैं, कुछ लोग गलती से डूब जाते हैं, कुछ पशु बह जाते हैं। हम कह सकते हैं कि अच्छाई के साथ साथ कुछ बुराइयां भी इस कैनाल से जुड़ी हुई हैं। उनमें से प्रमुख है इंसानों और पशुओं की मौत। कुछ लोग जानबूझकर तो कुछ लोग गलती से इसमें अपनी जान गंवा देते हैं। दूसरी समस्या है सेम पानी का रिसाव होने की वजह से इसके आसपास के एरिया में पानी का स्तर ग्राउंड वाटर से ग्राउंड वाटर लेवल ज़मीन से 2-2, 3-3 फीट ऊपर तक आ गया, जिसकी वजह से कई लोगों को गांव छोड़ने पड़े, अपनी ज़मीनें छोड़नी पड़ी। लेकिन अब उसका समाधान कर दिया गया है। सेम की समस्या को दूर करने के लिए राजस्थान सरकार ने इस नहर की रीलाइनिंग का काम करवाया है। रीलाइनिंग की वजह से रिसाव कम हुआ है और उससे सेम की समस्या से छुटकारा मिल गया है, जिससे बंजर हुई ज़मीन वापस उपयोग में लाई जाने योग्य हो गई है और उसमें अब ड्रिप इरीगेशन के साथ में फव्वारा सिंचाई पद्धति अपनाने का भी विचार किया जा रहा है। रीलाइनिंग होने की वजह से बचत हुए पानी की वजह से अब अंतिम छोर के किसानों तक भी पानी पहुँचने लगा है। टेल तक नहरों में पानी पहुंचने लगा है, जिससे सभी को सिंचाई हेतु पानी मिल सके। तो ऐसा कुछ है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में, जो रेगिस्तान में एक कमल खिलाने वाली बात है, रेगिस्तान में एक तरह से सोना उपजाने वाली बात है, उसको इसने सिद्ध कर दिया है। ऐसे ही और वीडियोज के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस चैनल पर हम सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ऐसे ही अनेक प्रोजेक्ट्स और अनेक चीज़ों के बारे में वीडियो लाते रहते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा।